गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल जो वीडियो हमने बनाया था उसमें मैंने आपको सूचना दी थी कि आपको जल्दी कुछ खबरें मिलने वाली है टीचर्स के एग्जाम की, रीट परीक्षाओं की तिथियां, पात्रता की तिथियां जो है वो घोषित हो चुकी है। अब ये एग्ज़ाम होने जा रहा है और बड़ी स्केल पर ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। रीट की एक तरह से सुबुघाट जो है वो पात्रता परीक्षा के साथ शुरू हो गई है। अब कुछ ही दिनों में आपको या तो दीपावली से पहले या दीपावली के बाद में ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी की सूचना या खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि रीट के बाद में अब ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट की बहुत अच्छी स्केल पर वैकेंसी आने वाली है और हमें इसकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से करनी है। जो बच्चे इंग्लिश विषय से ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, हमारे यहाँ पे फाउंडेशन बैच जो हैं वो स्टार्ट हो रखे हैं। नए बैच जो है वो दशहरा के बाद से यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकेंड की कोचिंग। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग मेथड, लिटरेचर और ग्रामर की 2 से 2.5 घंटे सेकंड ग्रेड की क्लास होती है, 2 से 2.5 घंटे जो है वो फर्स्ट ग्रेड की क्लास होती है और प्रॉपर टेस्ट सीरीज के माध्यम से टाइम टू टाइम उनका टेस्ट लिया जाता है और उसके माध्यम से उनकी स्किल का बताया जाता है कि वहाँ पर उनकी क्या कमजोरी है। मैं खुद पर्सनल पेपर बनाता हूँ, मैं खुद पर्सनल बच्चों को ग्रामर की स्किल्स के बारे में, लिटरेचर की जो भी कमियाँ हैं, जो भी थ्योरीज है उनके बारे में प्रॉपर नोट्स उन्हें दिए जाते हैं, मैं प्रॉपर तरीके से उन्हें गाइड करके सारी चीज़ें बताता हूँ। तो अगर आप ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड जैसे एग्जाम्स में अगर अपने आप को उस स्तर पर देखना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए हमारे इंस्टीट्यूट के साथ में। डॉक्टर सारण इंग्लिश अकेडमी जो है वो गोसाड़ा सांगानेर और रिद्धि सिद्धि पर यह कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया जाता है, जहाँ पर मैं खुद स्वयं टीच करवाता हूँ। और आपको अगर ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट से रिलेटेड और भी कई सूचनाएं अगर आपको चाहिए तो मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है और किस तरह से अग्रसर होना है। अब हमारे पास में एक लंबा टाइम नहीं है, हो सकता है कि इनके एग्ज़ाम जो हैं वो 2025 तक चले जाएँ। अगर 2025 तक भी ये जाएंगे तो हमारे पास में 4 से 5 या 6 महीने हमारे पास बचेंगे अगर अभी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की वैकेंसी की अनाउंस हो जाती है। और ये अनाउंस हो जाती है तो हमारे पास में 5 से 6 महीने रहेंगे और 5 से 6 महीने आपको प्रॉपर स्टडी के लिए, प्रॉपर कोर्स को पूरा करने के लिए आपको चाहिए। तो अभी अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आप फायदेमंद रहेंगे और आपका समय पर कोर्स और आप समय पर सारे टेस्ट सीरीज कर पाएंगे। इसीलिए वैकेंसी को देखते हुए आप ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की तैयारी अपने स्किल पर भी जारी रखें, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को पूरे दमखम के साथ में आप आगे बढ़िए। रीट की वैकेंसी से इसकी शुरुआत हो चुकी है, पात्रता परीक्षा की घोषणा की जा चुकी है, इसके फॉर्म भरना अब स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, अब कई बच्चे कंफ्यूज है कि सर मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं या फर्स्ट ग्रेड की, तो ध्यान रहे अगर तुम्हारे में से कोई बच्चा बीएड और एमए है इंग्लिश से तो मैं उसे फर्स्ट ग्रेड की सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के साथ में जो ग्रामर वो पढ़ेगा वो ग्रामर की जो तैयारी है उसकी सेकंड ग्रेड में भी काम में आएगी। हाँ यह है कि इधर साइकोलॉजी आती है और इधर जो है वो लिटरेचर एक स्केल्स पे आती है लिटरेचर में फर्स्ट ग्रेड में, और सेकंड ग्रेड में भी लिटरेचर को उसका फायदा मिल जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेकंड ग्रेड में भी उसका फायदा मिलेगा और रीट का जो सेकंड लेवल का जो पेपर होगा उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो अगर आप एमए बीएड हैं तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, और अगर आप एमए नहीं कर रहे हो और अभी हमें आपकी एमए चल रही है तो आप जो है वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। सेकंड ग्रेड की तैयारी से रीट की तैयारी आपकी अपने आप ही हो जाएगी, और यदि फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड की तैयारी भी हो जाएगी और फर्स्ट रीट के रीट पेपर की भी आपकी तैयारी हो जाएगी, केवल आपको टीचिंग मेथड अलग से पढ़ना होगा। तो मैं समय समय पर आपको वीडियो बना करके सारी चीज़ें समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा कि कैसे कैसे आपको टॉपिक्स पढ़ने चाहिए ग्रामर में, ग्रामर की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, लिटरेचर के लिए कौन सी बुक खरीदें, लिटरेचर के नोट्स कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।